बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। मुजरिम दो किस्म के होते हैं जनाब, एक वो जो गरीबी और हालात की वजह से मुजरिम बनते हैं जैसे कि हमारा धर्मा, और दूसरे वो जुर्म जिनका पेशा जिनकी फितरत है जैसे कि ये डॉक्टर डै। सुना है आपने धर्मा जैसे कैदी की रिहाई के लिए सरकार से अपील की थी? जी हाँ, ये सच है। आज से 6 साल पहले एक कत्ल के जुर्म में धर्मा उम्र कैद काटने के लिए हमारी जेल में आया था। आप जानते हैं उसने ये कत्ल क्यों किया था? इसलिए कि धर्मा का छोटा भाई अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा था, जिस बीच ये हादसा हुआ। इंस्पेक्टर, मेरा भाई अस्पताल में बेहोश पड़ा है, ये खून की बोतलें उसके ऑपरेशन के लिए पहुंचानी है। मुझे जाने दीजिए, मेरा ट्रक बहुत पीछे खड़ा है। दूर खड़ा है तो आप भी दूर खड़े रहिए, जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर, इतना मत बनिए, मैं आधे घंटे तक नहीं पहुंचा तो मेरा भाई मर जाएगा। देखो, हमें अपनी ड्यूटी करने दो, जब नंबर आ जाए तब आ जाना, जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर, आओ मेरे साथ। जल्दी है क्या? जी हाँ, बहुत जल्दी है। 300 रुपए हैं जेब में? नहीं जी, मेरे पास तो 20-25 होंगे। अरे 20-25 से क्या होगा, जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, जाओ। इंस्पेक्टर, अरे मैं क्या, जाओ लाइन में खड़े हो जाना। इंस्पेक्टर, मेरा भाई मर जाएगा जी। अरे भाई मरता है तो मैं क्या करूँ, जाओ निकल जाओ। कमीने, ये खून मेरे भाई के लिए था, ये खून मेरे भाई की जिंदगी थी। कातिल है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आप इस जुर्म को क्या कहेंगे? कोशिश की मैंने और उमर कैद की जगह धर्मा ने 4 साल जेल में काटे। आज वो अपने गांव में एक अच्छे नागरिक की तरह इज्जत की जिंदगी बिता रहा है। डॉक्टर डैन जैसे मुजरिम के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी ताकत और अपनी दौलत के बल पर ये विदेशी हमारे मुल्क में अशांति फैलाना चाहते हैं। हजारों मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले ये उग्रवादी, इनको मुजरिम नहीं राक्षस कहना चाहिए, राक्षस। ऐसे राक्षसों को खत्म करना हर इंसान का, हर धर्म का पहला कर्तव्य है। और हम इनको जवाब देंगे साहब, जोरदार जवाब देंगे। कमिश्नर गुप्ता हियर। सर, डॉक्टर डैंग को हमने पकड़ लिया। विश्व के जाने माने आतंकवादी नेता यानी लीडर ऑफ टेररिस्ट डॉक्टर माइकल डैंग, जो ब्लैक स्टार ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर डैंग को कड़ी निगरानी और पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत कल किसी गुप्त स्थान पर ले जाया जाएगा। Everything under control. They are heading towards the destination. They are heading towards the destination. Over and out. मजा आएगा भाई। तुम्हारे वो जेलर राणा विश्व प्रताप सिंह कहाँ है? राणा, वेरी नाइस मीटिंग यू भाई, मजा आ गया। वाह, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, क्या किताबें लिखी तू, क्या नॉलेज है तुम्हें जुर्म के बारे में, मुजरिमों के बारे में भाई। वाह, वेरी नाइस राणा। ओह यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैं बता रहा था तुम्हें राणा कि सेंट्रल जेल सीतापुर का नाम मैंने जर्मनी में सुना था। हाँ, मजा आएगा। मिस्टर राणा, अपनी 50 साल जिंदगी में मैंने पूरी दुनिया देख ली है और करीब करीब हर मुल्क की जेल में जा चुका हूँ, पर थोड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए। ऐसी कोई जेल होगी जहां मैं 1 हफ्ते ज्यादा रुका हूँ, वरना 1 दिन 2 दिन या ज्यादा ज्यादा 3 दिन एंड आउट। पर जिस किसी भी जेल में गया हूँ वहां के जेलर ने मेरी बड़ी इज्जत की है। सुबह से शाम तक मेरा ख्याल रखते थे। बट द बेस्ट जेल ऑफ जर्मनी। जैसे कोई कैदी नहीं, मंत्री हो। मुझे सफाई और आराम बहुत पसंद है।
आप एक काम करिएगा, एक नरम रुई के गद्दे वाला एक पलंग रखवा दीजिएगा और एक राइटिंग टेबल और हो सके तो एक टेलीफोन, लेकिन फूल जरूर भिजवाइएगा। यू सी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स। थैंक यू। नो, ये कमरा तो बहुत छोटा है मिस्टर राणा। खैर, थोड़े दिनों की तो बात है, और मुझे क्या क्या चाहिए होगा मैं एक लिस्ट बनाकर भेज दूंगा। नहीं नहीं, ये पेंट बहुत खराब है, इस कमरे को पेंट करवा दीजिएगा मिस्टर राणा प्लीज। एंग्री ओल्ड मैन, मजा आएगा। Red Tower Control Room, Red Tower Control Room, John Redden here. Dr. Deng कौन सी जेल में है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। भारत के लोगों ने डॉक्टर डेंग को गिरफ्तार करके हमारे हम इस चुनौती का जवाब देंगे। हम हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। डीएसपी शांति प्रसाद सिन्हा, तुम्हें बतलाना होगा हमारा बॉस डॉक्टर डेंग इस वक्त हिंदुस्तान के कौन से जेल में है। मैं हरगिज़ नहीं बताऊंगा। सुनो, मेरा इस फोन पर सिर्फ गो कहने की देरी है गो, और दिल्ली में तुम्हारा सारा खानदान एक ब्लास्ट में खत्म हो जाएगा। देश तो बच जाएगा। मार्टिन गेट मी 633। ये डीएसपी मिनिस्टर त्रिपाठी की सिक्योरिटी में था, और डॉक्टर डेंग को पकड़वाने में त्रिपाठी का बहुत बड़ा हाथ था। अरे त्रिपाठी जी आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, आप मंत्री क्या बन गए, हमारे तो घर का रास्ता ही भूल गए। ठीक कहती है भाभी, ये मंत्री का चोगा पहनने के लिए घर संसार से तो त्याग लेना ही पड़ता है। देखिए ना क्या जिंदगी है, घर से दिल्ली, दिल्ली से घर, घर से दिल्ली। अरे अरे, जीते रहो अनिल, जीते रहो। मुबारक हो, मुबारक हो बेटे। दादाजी, दादाजी, मंत्री दादा आए हैं। देखो बिटिया रानी, तुमने सुबह से दादाजी को कोई पपी वपी तो दी नहीं है, इसलिए दादाजी को ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ, सोमवार को मंगनी है, आपको याद है ना? बिल्कुल याद है भाभी, लेकिन मैं यहाँ नहीं पाऊंगा। हाँ, शादी पे जरूर आऊंगा, ये वादा करता हूँ। शादी में क्यों भाई, किस लिए? तुम ऐसा करो, अनिल के जब बेटा होगा, वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उस वक्त आना तुम। देखा भाभी, आ गया जेल है डंडा लेके। पापा, अगर चाचा नहीं आए तो हम भी अपनी मंगनी नहीं करेंगे। बेटे, ये गलती बिल्कुल न करना। अगर इस शख्स के भरोसे पर मैं रहता तो मेरी शादी भी आज तक न होती। बहुत अच्छा होता, भाभी दुआएं देती, तुम्हारी जेल की जिंदगी से तो बचती। इसकी बातों में ना आना बेटे, ये बातों का ही खाता है। कॉलेज में शुरू से ही मशहूर था कि त्रिपाठी इज भाषण ही भाषण, और राणा इज एक्शन कर्म। इसलिए तुम कर्मचारी बन गए और मैं मंत्री। क्या मतलब है? इसका ये कौन सी शर्त हुई, क्या मतलब? ये शर्त तुम हार गए राणा। मैंने कहा था ना, सरकार तुम्हारी एप्लीकेशन रद्द कर देगी, कर दी। कौन सी एप्लीकेशन? भाभी, इस पागल ने दो चार किताबें मुजरिमों के बारे में क्या लिख दी, इसके दिमाग में एक फितूर समा गया। इसने गवर्नमेंट को एक स्कीम बनाकर भेजी जिसमें कुछ खतरनाक मुजरिमों को ये रिहा करके उन्हें प्यार और मोहब्बत से सुधारना चाहता, और फिर उन्हीं के साथ एक फौज बनाकर देश के तमाम क्षत्रुओं को और उग्रवादियों को खत्म कर देना चाहता। अगर तुम्हारी सरकार ने मेरी बात नहीं मानी है तो इसमें हार तुम्हारी सरकार की है, मेरी नहीं। लेकिन सरकार ने तुम्हारी लिखी हुई किताब पर गोल्ड मेडल तो दिया ना। ये तो तुम्हारी सरकार की पुरानी आदत है, सहमत ना होते हुए भी गोल्ड मेडल दे देगी। लेकिन आपको मान तो दिया। वो तो दिया। चलो चलो, कुछ तो माना। आप भी मानेंगे क्या? अनिल की मंगनी में आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो मुझसे। भैया, पर भैया मेरी बात। भैया गए भाड़ में और आप गए जहन्नुम में। बात तय है। सर, यस, कमिश्नर साहब का फोन। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। चाचा जी, बाबूजी की तरफ से आप ही तो एक दोस्त है, अगर आप भी ना आए तो हम सबको बहुत बुरा लगेगा। गुड मॉर्निंग राणा विश्व प्रताप, लुकिंग ग्रेट। राणा साहब, मैंने आपके पास एक विनती भेजी थी, मुझे एक सोफा, एक कुर्सी और एक राइटिंग टेबल। आपकी वो विनती रद्द कर दी गई है डॉक्टर डेंग। क्यों?
इसलिए कि ये जेल है, कोई होटल नहीं है। दूसरे कैदियों से मोहब्बत और हमसे नफरत, इसकी वजह जेलर साहब? वो लोग हालात से मुजरिम बनते हैं, और तुम उनमें से हो डॉक्टर डैंग, जो वो हालात पैदा करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम जैसे लोगों को ये जहर फैलाने के लिए सरकार जिंदा क्यों छोड़ देती है। कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा जेलर? मेरा मतलब कितने बच्चे हैं तुम्हारे? नब्बे करोड़। मैंने हिंदुस्तान की जनसंख्या नहीं, तुम्हारे बच्चों के बारे में पूछा था जेलर। तुम्हारे लिए ये जनसंख्या है डॉक्टर डैंग, हमारे लिए बच्चे हैं, हमारे भारत के परिवार के बच्चे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा देशभक्त हो? हर सच्चे हिंदुस्तानी को देशभक्त होना चाहिए। दो दो पैसे में बिकता है तुम्हारा हर हिंदुस्तानी, दो दो पैसे में। तो मुझको खरीद के देख लो डॉक्टर डैंग, तुम भी यहां हो, मैं भी यहां हूं, खरीद के देख लो। मामा जी, जीते रहो जीते रहो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। भैया भाभी भी आ गए, पापा को फोन करो कि जल्दी आ जाए। अच्छा माँ, ऑफिस ऑफिस आज भी ऑफिस। हेलो पापा। पापा, मामा जी, मामी जी सब आ चुके हैं। आता हूँ बेटे, काम है अभी। पापा, माँ बहुत गुस्से में है। फोन दो माँ को। फोन? पापा, माँ फोन पे नहीं आती। फोन दो मैं कहता हूँ। फोन? सुनो सुनो रुक्मिणी, तुम्हारी चूड़ियों की खनक बता रही है कि तुम नाराज हो। वेरी सॉरी। क्या कहा? जानबूझ के? मैं? अरे भाई, सीबीआई के अफसर आए हुए हैं दिल्ली से, रिपोर्ट तैयार करके देनी है उनको आज के आज ही। कितना टाइम लगेगा? यही कोई घंटा भर। रुक्मिणी वो आ गए। नमस्ते राणा साहब। क्यों राणा, हो जाए शर्त इसी पर? किस बात की? भरी महफिल में एक अफसर की पिटाई, वो आई। लग गई। वो आई। ओ, वो डैंग है ना, ओ, कितना परेशान कर दिया कमबख्त ने सारे जेल को। ये क्या है सब लोगों के सामने? बाबूजी, ऊपर जाके जल्दी तैयार हो जाइए। ये लो रुक्मिणी बहन, जरा दूसरे थाली के लिए। राणा साहब, आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। जब तक जिंदा रहोगे राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। भूलना चाहिए भी नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदुस्तानी थप्पड़ का अंदाजा हो गया। ख्याल रहे, ये सिर्फ एक हाथ था, बाकी तुम खुद काफी समझदार आदमी हो।
छोटे खान जी, इसकी दो गोलियां हल्दी वाले दूध के साथ दे देना। बहुत अच्छे। कुलदीप, कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो, अनिल की शादी में तुम्हें बहुत डांस करना है, नाचना है, गाना है। उसकी मंगनी में भी तुम ही रौनक थे, और उसकी शादी में क्या हुआ? देखता हूँ। बीएचओ वाले ने जेल पर धावा बोल दिया है, आप यहीं रुक जाइए। खुदा के लिए मेरी बात मानिए शर्मा जी। नमस्कार। डैमिट, हटाओ ये, क्या ये? शूट एवरीवन ऑफ दिस बास्टर्ड्स। रिलैक्स जॉली, रिलैक्स। इन्होंने तो हमारा एक संदेशा पहुंचाना है, एक मैसेज, राणा विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास। देवी जी, मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। उनसे कहिए कि ये रहे हम और ये रहे तुम और ये रहे तुम्हारी भारत मां के बेटे।